أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया लेक्चर सीरीज शुरू किया और जिसका उन्वान है यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरी। तो आज इसका लेक्चर नंबर 9 है जिसका टाइटल है सोशल नेटवर्किंग। आई माई सेल्फ आबिद हुसैन एम फिल स्कॉलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन राइट टू आबिद हुसैन @gmail.com. So let's start from the very first slide at what we have on social networking. What is social networking? Social networking kya hai? Social networking refers to using internet-based social media sites to stay connected with friends, families, colleagues, or customers. Social network internet-based social media sites ke zariye se apne doston ke saath अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ या कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होने का जो ना नाम है। सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ सोशल पर्पस, अ बिजनेस पर्पस आर बोथ टू साइट्स लाइक फेसबुक, एक्स फॉर्मरली ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट। सोशल नेटवर्किंग वो वेबसाइट्स है जिनका एक खास मकसद होता है। वो मकसद माशरती मकसद भी हो सकता है या कारोबारी मकसद भी हो सकता है, और दोनों मकासद को पूरे करने के लिए हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक या एक्स जिसका पुराना नाम ट्विटर था, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग है जैसे लिंक्डइन है और जैसे इंस्टाग्राम वगैरह। ये मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें जिससे मतलब लोग आपस में कनेक्शन बनाए जा सकते। सोशल नेटवर्किंग इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट सीकिंग टू एंगेज कस्टमर्स। फेसबुक रिमेन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क विद 2 बिलियन पीपल यूजिंग द प्लेटफॉर्म डेली एज ऑफ फेब्रवरी 2023। आई अदर पॉपुलर इन द यू एस आर इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, टिकटॉक एंड पिंटरेस्ट। सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा जो मार्केट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या लोगों को कनेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फेसबुक सबसे टॉप पे है जिसके 2 बिलियन पीपल थे। कब तक? 1 फरवरी 2023 तक। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि यूएस में है और दूसरी कंट्रीज में इस्तेमाल की जाती है वो है इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक एंड पिंटरेस्ट। अब हम आ जाते हैं सोशल नेटवर्किंग के यूज़ और इसकी लाइब्रेरीज में इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। सोशल नेटवर्किंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न लाइब्रेरीज, ट्रांसफॉर्मिंग हाउ दे कनेक्ट विद पैटर्न्स, शेयर इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट देयर सर्विसेज। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग रोल इन द लाइब्रेरी। सोशल नेटवर्क लाइब्रेरी में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये पैटर्न्स के साथ कनेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है, लाइब्रेरी की सर्विसेज को प्रमोट कर रही है। इनके कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि हमने इनकम पास किए, वो मैं आपको इसी स्लाइड में हेडिंग्स की शक्ल में बता दूंगा। एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन ऑफर्स लाइब्रेरीज अ डायरेक्ट चैनल टू एंगेज विद देयर कम्युनिटी। सबसे जो कि मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है सोशल नेटवर्क फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, लाइब्रेरी के डायरेक्ट चैनल हैं जो कि कम्युनिटी के साथ हम आहंग कर Libraries can share updates, events, and resources while also interacting with patrons through comments, messages, and discussion. Library अगर अपनी पेज इन्हीं वेबसाइट पर डाल दे तो पैटर्न्स के साथ वो कमेंट्स के जरिए, मैसेज के जरिए से, डिस्कशन के जरिए से अपनी सर्विसेज मुतारफ करा सकते। प्रोमोशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरीज कैन यूज सोशल मीडिया टू प्रोमोट देयर सर्विसेज, प्रोग्राम्स एंड collections. They can showcase new arrivals, upcoming events, workshops, and educational programs, attracting more patrons and increasing awareness about their offering. जो लोग
अपनी सर्विसेज को सोशल नेटवर्किंग पे डाल रहे हैं, तो से मुराद अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, और जिसमें क्या क्या चीज़ दिखाई जा सकती है अपने पैटर्न्स को, कि न्यू अराइवल्स क्या है, लाइब्रेरी में कौन से इवेंट्स आने वाले, वर्कशॉप्स क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या है, इसी से और पैटर्न्स को अट्रैक्ट किया जा सकते हैं और इसी से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना ऑफर किए जा सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग इनेबल्स लाइब्रेरीज टू शेयर डिजिटल रिसोर्सेज सच एज ई बुक्स, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट एंड वीडियोस विद देयर फॉलोअर्स। दिस हेल्प इन रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सोशल नेटवर्किंग रिसोर्स शेयरिंग के लिए बहुत अच्छे जराए, इसमें ई बुक्स अपने पैटर्न्स के साथ शेयर किए जा सकते हैं, आर्टिकल्स, पॉडकास्टिंग, वीडियोस, और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको आसानी से वाइड ऑडियंस को प्रोवाइड की जा सकती है ये सर्विस। कम्युनिटी बिल्डिंग, सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेल्प लाइब्रेरी बिल्ड अ सेंसिटिव सेंस ऑफ कम्युनिटी एमंग दियर पैटर्न्स। लाइब्रेरीज कैन क्रिएट ग्रुप्स, फोरम्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज वेयर पैटर्न्स कैन कनेक्ट, डिस्कस कॉमन इंटरेस्ट, शेयर रिकमेंडेशन एंड कोलाबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स। इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, अगर आप लाइब्रेरी की 10 ग्रुप्स बना दें और सोशल नेटवर्किंग पे दे दें तो जितने पैटर्न्स होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किए जा सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे कोलाबोरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक एंड इवाल्यूएशन, लाइब्रेरीज कैन गैदर फीडबैक्स एंड इंसाइट फ्रॉम पैटर्न थ्रू सोशल मीडिया इंटरेक्शन। दे कैन कंडक्ट पोल्स, सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर टू असिस्ट पैटर्न सेटिस्फेक्शन, गैदर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इवाल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ देयर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। सोशल नेटवर्किंग के जरिए बंदा अपनी लाइब्रेरी की सर्वे करा सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और पोल और सर्वे और इस तरह की क्वेश्चनेयर शेयर कर सकते हैं, जिससे पैटर्न को सेटिस्फेक्शन मिले और इसी तरह वो करते करते अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को वो डिवेलप कर सकते हैं। इवेंट प्रोमोशंस, सोशल नेटवर्क इज एन इफेक्टिव टूल फॉर प्रोमोटिंग लाइब्रेरी इवेंट्स सच एज ऑथर टॉक्स, बुक क्लब्स, वर्कशॉप्स एंड एग्जीबिशन। लाइब्रेरीज कैन क्रिएट इवेंट पेज, शेयर इवेंट डिटेल्स, इनवाइट अटेंडीज एंड जनरेट बज अराउंड अपकमिंग इवेंट्स। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड्स में भी बताया था कि इवेंट प्रमोशन के लिए सोशल नेटवर्किंग बेहतरीन जरा है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया अलाउ लाइब्रेरी प्रोफेशनल टू नेटवर्क विद कलीग्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन फैसिलिटेट प्रोफेशनल नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग एंड कोलाबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोशल नेटवर्किंग में सबसे जो अच्छी वेबसाइट है फेसबुक है या लिंक्डइन है, जिसमें प्रोफेशनल नेटवर्क बंदा बनाया जा सकता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का एक अच्छा जरिया है। एजुकेशनल आउटरीच, लाइब्रेरीज कैन यूज सोशल मीडिया फॉर एजुकेशनल आउटरीच, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट, रिसर्च टिप्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। एजुकेशनल के जराये के तौर पर सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसी से एजुकेशनल के आउटरीच प्रोग्राम है या कोई ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट्स है या रिसर्च टिप्स है या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है या दूसरे लर्निंग के जराए स्टूडेंट्स को रिसर्चर को मतलब शेयर किया जा सकता है, जिससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक फिजा बन जाती है। क्राइसिस कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग इमरजेंसीज और क्राइसिस सोशल मीडिया कैन बी वैल्यूएबल कम्युनिकेशन टूल्स फॉर लाइब्रेरीज टू डिसिमिनेट इम्पोर्टेंट अपडेट्स, सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव सोर्स अलाइनमेंट टू दियर पैटर्न। जैसे कि कोविड-19 आई हुई थी तो सोशल नेटवर्किंग पे लोग मुख्तलिफ किस्म के पैगाम शेयर किए जाते, जैसे हेल्थ टिप्स, जैसे हिफाजती इकदाम। इस किस्म की कोई भी क्राइसिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या लाइब्रेरी में आ रही है तो अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो तो लोग एक दूसरे को ये चीज़ पहुँचा सकती है।
मुझे उम्मीद है आज की जो लेक्चर है सोशल नेटवर्किंग इन लाइब्रेरीज और इसका इस्तेमाल आपको पसंद आया होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी करें, यूट्यूब वीडियो पे नीचे कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।